होगा कि अभी इंडिया और जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं उनको लेकर विवाद चल रहा है। विवाद का रीज़न दोस्तों आप लोगों को बाखूबी पता ही है, नुपुर शर्मा के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने की वजह से हर मुल्क ने इसका विरोध जताया है। तो दोस्तों कुछ दिन अभी एक से दो दिन पहले सिर्फ कुवैत कतर वगैरह ही जो थे इंडिया के खिलाफ थे, पर दोस्तों अभी लगभग 12 से 14 कंट्रियां इसके विरोध में आ चुके हैं ट्वीट करके उन लोगों द्वारा, ये उन लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। तो दोस्तों आज के दिन ही इंडोनेशिया, यूएई यानी दुबई वगैरह, मलेशिया वगैरह, इन सभी कंट्रियों ने इसको विरोध किया है। तो साथियों ये वीडियो को बनाने का आज का मेरा मकसद ये है कि बहुत ही बड़ा दोस्तों वहाँ पे जो वहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों बहुत सारे वर्कर जो हैं जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं या फिर क्रिश्चियन भाई हैं जो अलग अलग कंट्रियों में काम करते हैं, गल्फ कंट्रियों में काम करते हैं, तो इसको लेकर दोस्तों उन भाइयों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। दोस्तों आप लोग कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे कोरोना काल के टाइम में जो वहाँ पे जमातियों को लेकर बहुत सारे लोगों ने जो दुबई में रहते थे या फिर सऊदी में रहते थे या कुवैत में रहते थे, जो भी हिंदू भाई थे वो आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे थे या फिर कोई वीडियो को शेयर कर रहे थे या फिर कोई पोस्ट को शेयर कर रहे थे, जिसके बाद देखने के बाद वहाँ के शेख के द्वारा, मालिकों के द्वारा उन लोगों को तुरंत ही वहाँ से कंपनियों से बर्खास्त किया गया और हमेशा के लिए उन लोगों पर डिपोर्ट कर दिया गया था। तो साथियों ये वीडियो बनाने का एक और मकसद मेरा ये भी है क्योंकि साथियों अभी जो हालात चल रहे हैं जिसके वजह से एक शेख के द्वारा दोस्तों मैं आपको मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, वो कौन सी कंट्री के बाहर है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ट्वीट इनका मैं दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे मैं आपको ट्वीट जो दिख रहा है तो इनके द्वारा दोस्तों वहां पे जितने भी वहां पे गैर मुस्लिम है यानी जो भी हिंदू भाई थे उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है। खबर दोस्तों ये है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। खबर दोस्तों ये है, उनके द्वारा ये कहना है, ये अरबी, आपको मैं अरबी में दिखाया हूं, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। उनके द्वारा कहना, मैं अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी का टिकट के साथ साथ उनका सारा बकाया भी सौंप दिया है और मैं भारत में बने सभी सामानों को, लेन देन, खरीद पोक्त को फौरन रोक दूंगा। यह मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये कितना मतलब ज्यादा ये बात आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों मैं आप यदि आप अभी कोई भी धर्म के मानने वाले हो, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, आप यदि गल्फ कंट्री में काम करने गए हो या फिर किसी भी कंट्री में काम करने गए हो, जो जिस काम के लिए गए हो, जो काम करने गए हो, आप वो काम में ध्यान दो। किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट बिल्कुल भी ना करें, किसी के बारे में भला बुरा भी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है आप लोग का पोस्ट किसी के नज़र में चला जाए और फिर आपको पोस्ट के कारण आप लोगों को वहाँ पर बर्खास्त किया जाए, कंपनी से निकाल दिया जाए, क्योंकि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके जाते हो, बहुत सारे मुसीबतों को झेलने के बाद ही वहाँ पर आप पहुँचते हो। तो ये सब काम में बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, कोई भी ऐसी पोस्ट बिल्कुल भी ना करें जिसको लेकर आपको या आपके परिवार वाले को दिक्कत हो। अन्यथा मैं भी ये भी कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी के बारे में भला बुरा आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि ये गलत है। हर धर्मों में ये लिखा हुआ है कि किसी के धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए और सभी को मना भी किया गया है। तो अब जिस धर्म के भाई आप लोग मानने वाले हैं तो बिल्कुल भी आप लोग ये सब काम बिल्कुल भी ना करें, किसी के बारे में भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या चाहे ईसाई हो, किसी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट बिल्कुल भी ना करें। इसको लेकर दोस्तों ये बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है और जिसकी वजह से सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, जो हिंदू भाइयों को निकाला गया होगा उनको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया होगा, ना उसकी कोई गलती थी, ना कोई उन्होंने कुछ किया था, उसके बावजूद भी उन लोगों को ये भुगतान भुगतना पड़ा। तो ऐसी आप आपत्तिजनक पोस्ट बिल्कुल भी ना करें। यदि आप किसी भी गल्फ कंट्री में अभी मौजूद हो, अभी मामला थोड़ा खराब है, तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसे शेयर को पोस्ट आप ना करें बिना सोचे समझे, ना किसी पे कमेंट करें, ना किसी पे लाइक करें, ना कोई आप बातें किसी को कहें। यदि आप कहते हो तो इस पर लेकर आपको ही दिक्कत होगा, फिर आपको ही डिपोर्टेशन का या फिर कोई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों का दोस्तों आपको बाखूबी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था ताकि आप ये सब गलती ना करें, जो गलती लोगों ने किया आपको ये गलती नहीं करना है। किसी भी आप धर्म के मजहब के मानने वाले हो, किसी के बारे